रेडी फॉर योर नेक्स्ट गेम। मालिका, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे ये सब अब नहीं होगा। नहीं होगा? क्या मतलब? तुमको याद नहीं लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था? मैं जेल जाते जाते बचा था। सुन बे हीरो, लास्ट टाइम गलती तेरी थी, समझा? तूने गलत टारगेट को उड़ाया था। और तुझे जेल जाने से बचाने में मेरा कितना नुकसान हुआ वो भूल गया है क्या? है तेरी इतनी औकात कि मेरे नुकसान की भरपाई कर पाए? नहीं ना, तो चुपचाप ये काम कर। लेकिन इस बार लास्ट, आगे से नहीं। ओके, लास्ट ही होगा, बस ध्यान रखना कि काम सही से होना चाहिए। ठीक है, तब तक डिटेल्स मिल जाएंगे। क्या कर रही हो मीरा? आज कुछ स्पेशल है क्या जो मैं भूल गया? यस डार्लिंग, आज मेरा मूड स्पेशल है। देव, जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? इस तरह से तो पूरी जिंदगी नहीं काट सकते ना आप। तुम देखो, तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम। मीरा, ये सब करने के बाद भी कुछ ठीक थोड़ी होगा? जो खोया है वो वापिस थोड़ी मिल जाएगा। और जो तुम्हारे पास है उसे तो ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो तुम। चलो उठो। देव सर, अच्छा चलो चलो। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं। बस एक बार वो हो जाए उसके बाद शांति मिलेगी।
हाँ बोल, क्या हुआ? टारगेट कौन है ये डिटेल्स में नहीं। तुम लोकेशन पर जाओ, क्लाइंट वही है, पता चल जाएगा टारगेट कौन है। तुमको पता है मैं पहले भी एक बार गलती कर चुका हूँ, अगर टारगेट मालूम नहीं होगा मुझे तो मैं नहीं जाऊँगा। रूल्स मालूम है ना, गेम वैसे ही खेला जाता है जैसे क्लाइंट चाहता है। क्या मौका मिला है, इस घर से तो मेरी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। चल राज, करते आज। अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। कोई है? शायद कोई है ही नहीं। मैं राज, वो आपका सिस्टम सही करने आया था। मेरा सिस्टम? आई मीन आपका डेस्कटॉप। आने में इतनी देर कैसे लगाई? सोचो मत, चेक करो। नमस्कार, मैं मनीष राज शर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का गुना के इस नए सीजन में। आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नई वारदात, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जो निकला है अपने अगले टारगेट में। कौन है उसका अगला टारगेट? क्या मीरा का पति देव, जिससे वो नाखुश है और वो उसे अपना टारगेट बना रही है, या फिर देव के दिमाग में कुछ चल रहा है? इन दोनों के बीच के रिश्ते की हकीकत क्या है, या फिर अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक संगीन गुना होने जा रहा है? क्या राज है, क्या सच है और होने क्या वाला है, चलिए देखते हैं। करना क्या है? बैठ बैठ। ये भी मैं ही बताऊंगा कि क्या करना है, तो तू यहां क्यों आया?
तुझे पता है पिछले 5 दिनों में मेरा 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। कितना? सुनाई नहीं दिया या दोबारा सुनना चाहता है? सुन, मैं कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं करता, ठीक कर। चल चल, ठीक कर। मतलब टारगेट यही है और इतनी खूबसूरत बीवी और ये शराबी, तो इसको मारेगी नहीं तो क्या करेगी? लेकिन मेरी क्वीन है किधर? वैसे काफी खूबसूरत घर है आपका। हाँ, खूबसूरत तो काफी है राज। राइट राइट। मैं मीरा और मेरे पति का नाम है देव। वैसे तुम रहते कहाँ हो राज? मैं ज्यादा अपने बारे में किसी को बताता नहीं। अच्छी बात है, पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखना चाहिए। आओ बैठो। थैंक यू। वैसे क्या हुआ आपके पति को? हमेशा ऐसे ही रहते हैं? ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं। तो आप खुश कैसे रहती हैं? बस रह लेती हूँ। अरे किस्मत, तूने पैसे के साथ साथ मुझे हूर भी दे दी।
मकसद भूल गया है तू? मकसद? तुझे ये भी नहीं पता कि तू यहाँ किस लिए आया? मतलब आप क्लाइंट हो? तुझे तेरे बॉस ने इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कौन क्लाइंट है? सुन, तेरा एक एक सेकंड मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है, समझा? काम कर, बैठ इधर। काम हो गया? घंटा हुआ है काम। कौन टारगेट है, मारना किसको है, ये तो पता नहीं। क्लाइंट के रूल्स के खिलाफ है, उसने कहा है वही बताएगा क्या कैसे करना है। बस मेरा टारगेट ही शराबी हो, अपने हाथों से गला घोट के मारूंगा इसको। लेकिन अगर टारगेट मेरा हुई तो काफी देर से काम कर रहे हो, थक गए होंगे ना? सोचा तुम्हारे लिए चाय बना दूं। थैंक यू। पियो, क्या हुआ, चाय पसंद नहीं है? पसंद तो नहीं है, लेकिन शायद आज आ जाए। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा काम जल्द खत्म हो, ताकि मुझे और मेरे पति दोनों को शांति मिलेगी। कौन टारगेट है, मारना किसको है, अगर ये पता नहीं चला ना तो दोनों को ही ठोक दूंगा। पिछली बार की तरह इस बार भी होश ना खो बैठो, कहीं टारगेट की जगह किसी और की जान ना चली जाए। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल ही जाता हूँ। रुक, काम खत्म हो गया, जो तू निकल रहा है? अगर ये पता होता ना करना क्या है तो कब का निकल जाता मैं काम खत्म करके। सुबह से यहां अपने ऐसी तैसी करा रहा है, और तुझसे एक सिस्टम ठीक नहीं हुआ? सोच कर रहा है
जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा ना तो कहीं नहीं जाएगा, समझा? वैसे भी अभी कोई कहीं नहीं जाने वाला। डिनर रेडी है? डिनर करके जिसको जहां जाना है वहां चला जाए। और तुम्हें क्या पता आज रात डिनर के बाद तुम्हारी रात कितनी स्पेशल होने वाली है। कौन है टारगेट और कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? इसका पता लगना तो अभी बाकी है, पर देव और मीरा के बीच के रिश्ते की दरार साफ दिखाई दे रही है, जिसका फायदा राज उठा रहा है। देव और मीरा में से राज का अगला टारगेट कौन होगा, या फिर कहानी में मास्टरमाइंड की एंट्री अभी बाकी है? चलिए देखते हैं कि आगे जुर्म कैसे अपने अंजाम तक पहुंचता है। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। तू सारा है तू, मुझ में तू माँ है मेरू, अब हो जरा रूबरू। तू सारा मुझ में तू मायरूप, ओ जरा रूबरू। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। सपने में बहुत मीरा मीरा कर रहा था। बोल क्या करना चाहता है मेरी बीवी के साथ? कुछ 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 भी तो नहीं। दोबारा बोल। कुछ भी नहीं। नहीं नहीं ना। चल 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 चल, घुसा दूंगा। चल खोल। सर आप प्लीज बताएंगे मैंने किया क्या है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब से तू यहाँ आया है तूने किया ही क्या? सर आपका सिस्टम ठीक होने वाला है। मेरा सिस्टम तो ठीक ही है। आई मीन आपका डेस्कटॉप। तो ये करने आया? मकसद भूल गया अपना? क्या है तेरा मकसद, किस लिए आया? बोल बोल बोल। टारगेट निपटाने। टारगेट निपटाने? टारगेट से तो दिल लगा बैठा, निपटा पाएगा उसे? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। पक्का? पॉइजन वाइन के गिलास में मिला और टारगेट को निपटा।
ठीक चल चल। चाय पिलाकर मेरी थकान दूर की थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए। ये तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट, थैंक्स। क्या दिन रहा ना आज, और रात रात उससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि आज कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे जहन को बहुत सुकून मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जाम अगर एक ही ग्लास में पियो तो प्यार मर जाता है। ओहो। एक मिनट, क्या हुआ राज? मुझे तुमको कुछ बताना है। तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे मारने के लिए, समझे? जितने पैसे उसने दिए थे उसका डबल दूंगी। खत्म कर दो उसे। क्या कर रहा है राज? कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने डबल किया है, ट्रिपल करेगा। ये चांस हाथ से मत जाने दे। जैसे इसको सब कुछ सच बताया है उसको भी जाकर बता दे। अरे प्यार और लड़की तो आती जाती रहेगी।
काम हो गया। तुम्हारी बीबी मुझे डबल ऑफर कर रही है तुम्हें जान से मारने के लिए। अबे झंडू है तू, डबल वो कहां से देगी? उसके पास है ही क्या? सब कुछ तो मेरा है। बेवकूफ है तो डबल तो छोड़, जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और तुम दोनों मिलके मेरी गेम बजाना चाहते हो? अब मैं दिखाता हूं कि असली गेम किसे कहते हैं। सोचा तुम दोनों का प्लान थोड़ा आसान कर दूं। बैठो बैठ। देखो सिंपल सी बात है कि हम में से कोई तो एक आज टारगेट बनेगा। इसमें एक गोली है, जिसके नसीब में हुई उसके नाम। देखते हैं आज किसका नसीब साथ देता है। तो गेम स्टार्ट करते हैं। क्या बकवास है, मुझे नहीं खेलना कोई गेम। गेम मेरी, रूल्स मेरे। मल्लिका ने बताया तो होगा ना तुझे, खेलना तो पड़ेगा वरना इस बार मल्लिका तेरा हिसाब करेगी, समझा? खेल। Thank you.
उठाओ मीरा, उठाओ। डरो मत, उठाओ प्लीज मीरा। खेल खत्म करेगा या मैं करूं? पिछली बार की तरह इस बार भी टारगेट गलत होगा तो होगा, लेकिन मैं तो अपनी कुर्बानी नहीं देने वाला। इस बार टारगेट गलत नहीं होगा। इसमें गोली नहीं है, गोली नहीं है उसमें। तुमने पिछली बार जिसे गलती से मारा था वो मेरी छोटी बहन थी। हाँ, और तू ये जानना चाहता था ना कि क्लाइंट कौन है और टारगेट कौन। तो सुन, मैं और मीरा है क्लाइंट, तू है टारगेट। टारगेट तो आखिरकार एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अपनी ही गलती के कारण खुद किसी का टारगेट बन गया और अपनी जान गंवा बैठा। देव और मीरा का गुस्सा जायज था, पर उन्होंने जो किया क्या वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो किया वो कानून की नजर में उतना ही गलत था जितना राज के किए गए गुनाह। याद रखिए, किसी पापी को सजा देने के लिए अगर आप खुद पापी बन जाएंगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मिलते हैं गुनाह की अगली कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।